दोस्तों, क्या आपका कूलर फैन धक्का देने पर चलता है? क्या आपका कूलर हाथ से घुमाने पर फ्री घूमता है पर जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो जाम हो जाता है? क्या आपके कूलर का पंखे एक ही जगह पर चिपक जाता है? तो दोस्तों, अगर आपके कूलर में किसी भी तरह का जाम प्रॉब्लम हो रहा है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कूलर मोटर जाम होने के एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 कारण और उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मैकेनिकल सर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो झट से, न कहना बाद में। हर तरह के रिपेयरिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और घंटी भी दबा देना साथ में, क्योंकि हमारा हर एक वीडियो आपके लिए आता है धमाकेदार अंदाज में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं अब और बातें करेंगे बाद में। तो दोस्तों, कूलर मोटर जाम होने का पहला कारण है इसका कैपेसिटर का खराब होना या कमजोर होना। अब यहाँ पर आप यह सोच रहे होंगे कि कैपेसिटर का क्या संबंध है इसके जाम होने से, तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, कैपेसिटर की ताकत से ही ये जो मोटर है वह घूमता है। दोस्तों, जैसे हम इसमें नया कैपेसिटर लगाते हैं तो वह अधिक रफ्तार में घूमता है, और कैपेसिटर पुराना होता है दोस्तों तो उसका रफ्तार है वह कम हो जाता है। दोस्तों, इस कंडीशन में हमें जो पंखे होता है उसको हाथ से घुमाना पड़ता है या किसी डंडे से, तब जाके ये जो पंखा होता है, मोटर होता है, वह होता है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, इसका जो कैपेसिटर होता है उसको आपको चेंज कर देना है, तो दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम है वह ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, कैपेसिटर को यहां से निकाल लेना है, और निकालने के बाद दोस्तों आपको इसको स्विच बोर्ड में एसी करंट में आपको चेक करके देख लेना है कि आपका जो कैपेसिटर है वह खराब है या नहीं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर इसे अपने स्विच बोर्ड में लगाएंगे और लगाकर आपस में शॉर्ट करके देखेंगे। अगर दोस्तों इसमें अच्छे से शॉर्ट आता है तो हमारा कैपेसिटर ठीक है, अगर इसमें कमज़ोर शॉर्ट आता है तो ये हमारा ख़राब है। तो दोस्तों, यहाँ पर शॉर्ट करके देखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसमें अच्छे से शॉर्ट आ रहा है, यानी कि जो कैपेसिटर है वह ख़राब नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से आप इसका जो मोटर का जाम प्रॉब्लम है हाथ से घुमाने वाला, उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दूसरा कारण बताते हैं जिससे मोटर जाम हो जाता है। तो दोस्तों, मोटर जाम होने का दूसरा कारण है इसमें ऑयल या ग्रीस का कमी हो जाना। यानी कि दोस्तों, जब हमारा मोटर चलता है तो उसके घर्षण से इस गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद दोस्तों इसमें जो ऑयल, जो ग्रीस होता है वह सूख जाता है, और दोस्तों इसका जो रोटर होता है दोस्तों वह भूस के साथ चिपक जाता है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में क्या होता है, इसका जो सॉफ्ट होता है दोस्तों वह भूस में फंस जाता है, और हम इसे हाथ से घुमाते हैं फिर भी यह इधर का उधर नहीं घूमता है। तो दोस्तों, आपको इस तरह से पता कर लेना है, इसका जो सॉफ्ट है वह चिपक जाता है, हाथ से घुमाने पर भी नहीं घूमता है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में आपको मोटर को खोल लेना है, और खोल कर दोस्तों इसमें अच्छे से ग्रीसिंग कर लेना है या ऑयलिंग कर लेना है। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो मोटर है उससे ओपन करेंगे, तो इसमें 4 नट लगे हुए दोस्तों, तो चारों नट को हम निकालेंगे, और निकाल कर दोस्तों आपको इसका जो ग्रीसिंग कैसे करना है और इसमें कैसे ऑयल डालना है हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 नट बोल्ट लगे हुए हैं, तो हम इसे खोलेंगे और खोलकर आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर इसका नट बोल्ट को खोल दिया है। अब इसका जो रोटर लगा हो दोस्तों, जब इस प्रकार का चिपक जाता है तो उसे खींचकर बाहर निकालना पड़ता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर इसका जो बूस है वहाँ पर ऑयल डालेंगे, तो इस तरह से हम इसे खींचकर बाहर निकाल देंगे, इसका जो रोटर है दोस्तों उसे। तो दोस्तों, हम इसे खींचकर बाहर निकाल लिए हैं, और आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो दोनों बूस है वहाँ पर आपको ऑयल डालना है, और ये जो आपका सॉफ्ट है दोस्तों उसका ऊपर और नीचे वहाँ पर भी आपको ऑयल डालना है। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें ऑयल डाल लेते हैं। दोस्तों, आप कोई भी इंजन ऑयल यूज कर सकते हैं इसमें डालने के लिए, और अगर आप चाहें तो इसमें ग्रीस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर इसमें अच्छे से ऑयल डाल लेंगे इस बूस में, और इसके बाद हम दूसरे वाले जो ऊपर का ढक्कन में जो बूस है दोस्तों वहाँ पर भी हम ऑयल डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें भी ऑयल डाल लेते हैं अच्छे से, और मेल्ट कर देते हैं, और ये जिसका जो सॉफ्ट है दोस्तों उस पर भी हम यहाँ पर ऑयल डाल लेंगे। और ऑयल डालने के बाद दोस्तों, हम इसका जो रोटर है उससे हम इसे स्टेटर है उसके अंदर लगाएंगे इस तरह से, और इसे घुमाकर देखेंगे दोस्तों, जब यह अच्छे से फ्री होने लग जाएगा तो हम इसे वापस से लगा देंगे। तो दोस्तों, इस तरह का जो चिपकने वाला जो जाम प्रॉब्लम है दोस्तों, वह इस तरीके को आप अपनाएंगे, इसमें ग्रीसिंग अच्छे से करेंगे तो इसका जो प्रॉब्लम है वह ठीक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कूलर मोटर जाम होने के हम आपको तीसरा कारण बताते हैं। दोस्तों, कूलर होने के तीसरा और मेन कारण होता है इसका बूस या सॉफ्ट का खराब हो जाना। दोस्तों, इस स्थिति में आपका जो मोटर होता है उसका जो ऊपर का जो सॉफ्ट होता है उसको हाथ से घुमाने पर फ्री चलता है, मगर दोस्तों जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं, यह इसका जो
रोटर होता है वह स्टेटर के साथ चिपक जाता है, यानी कि दोस्तों हमारा जैसे ही हम ऑन करते हैं हमारा जो फैन होता है वह चलता नहीं है। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको समझ लेना चाहिए कि इसका आपका जो बूश होता है मोटर का वह खराब हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर आपको बूश खराब है या शाफ्ट खराब है कैसे पता करना है हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक कोई नया बूश लेना होगा आपको, जो कि दोस्तों बूश आपको मार्केट में 15 से 20 रुपये में आपको मिल जाएगा, या फिर दोस्तों आप एक कोई नया शाफ्ट ले सकते हैं चेक करने के लिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक बूश लेंगे जिससे हम इसमें लगाकर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपको पता करना है कि इसका जो शाफ्ट है वह ख़राब है या इसका जो बूश है वह ख़राब है। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक बूश लेंगे और इस नए बूश को इस शाफ्ट में लगाकर देखेंगे। दोस्तों अगर यह ढीला होता है, जो कि बूश नया है, अगर इसके बावजूद भी ढीला होता है तो हमारा जो ये शाफ्ट है दोस्तों वह ख़राब हो चुका है। अगर दोस्तों इसमें फिक्स आता है, आप देख सकते हैं एकदम फिक्स आ रहा है, यानी कि दोस्तों बूश तो हमारा नया है मगर दोस्तों इसका जो शाफ्ट है वह अच्छे से इसमें फिट हो रहा है, यानी कि ये जो शाफ्ट है वह ख़राब नहीं हुआ है। तो दोस्तों अब हमें यह पता करना है कि बूश खराब है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा शाफ्ट है दोस्तों जो कि अच्छा है जो ख़राब नहीं हुआ है उसको हम इसके बूश के अंदर लगाएंगे और इसे दोस्तों हल्के से हिलाकर महसूस करेंगे कि ज़्यादा हिल तो नहीं रहा है। तो दोस्तों आपको इस तरह से महसूस करना है, अगर दोस्तों ये ज़्यादा हिल रहा है तो आपको समझ लेना है कि आपका जो बूश है वह ख़राब हो चुका है, अधिक मात्रा में घिस चुका है। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको बूश को चेंज करना ही पड़ेगा, तभी आपका जो ये जाम प्रॉब्लम है वह ठीक हो पाएगा। दोस्तों इस तरह से आप अपने कूलर मोटर का जो जाम प्रॉब्लम होता है, जो ऑन करते ही चिपक जाता है, उस प्रॉब्लम में आपको इसका जो बूश होता है उसको आपको चेंज कर लेना है, तो आपका जो ये जाम प्रॉब्लम है दोस्तों वो अच्छे से ठीक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको कूलर मोटर जाम होने के चौथा कारण बता देते हैं। तो दोस्तों कूलर मोटर होने के चौथा कारण है, जब इसे रिपेयरिंग करने के लिए या इसमें ऑयल डालने के लिए मोटर को खोलते हैं तो दोस्तों हम सही तरीके से इसको लगा नहीं पाते हैं। दोस्तों हम जैसे ही इसका रिपेयर कर लेते हैं और फटाफट इसे लगा देते हैं और दोस्तों यह ठीक से बैठ नहीं पाता है, इस कारण से इसका जो रोटर होता है दोस्तों वह इस स्टेटर के साथ चिपक जाता है और यह जाम होने लग जाता है। तो दोस्तों आपको जब कभी इसका रिपेयर करना है तो आप इसका रिपेयर कर ले, उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आपको फिट करते समय इसे आप अच्छे से फिट कर पाएँ। तो दोस्तों आपको कैसे फिट करना है हम आपको बताते हैं। दोस्तों आपको इस तरह से ऐसे पहले लगा लेना है और उसके बाद दोस्तों इसका जो शाफ्ट है उसके घुमा लेना है और हाथों से दोस्तों इसे घुमा घुमा कर अच्छे से सेट कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपको इसका जो नट है, जो बोल्ट है, उसको आपको एक बोल्ट को इस तरह से लगा देना है और हाथों से दोस्तों आपको अच्छे से और सेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों इसका जो बाकी का नट है उसको भी लगा लेना है, मगर दोस्तों आपको नट बोल्ट को टाइट नहीं करना है। तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसे अच्छे से सेट करना होगा। तो दोस्तों सेट कैसे करना है हम आपको बताएंगे। तो आपको इस तरह से हाथों से घुमाना है और घुमाकर देखना है कि यह अच्छे से फ्री हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से आपको इसका जो स्टेटर है दोस्तों उसके अंदर चिपक जाता है, इसका जो रोलर होता है उसको आपको ध्यान देना है कि इसका जो रोटर है दोस्तों इसके स्टेटर के साथ न चिपके, इसको घुमा कर देखें इसमें टच ना हो रहा हो, आपको इस बात का ध्यान देना है। और इसका जो कवर है दोस्तों उस ऊपर का जो ढक्कन है उसको हाथों से इस तरह से एडजस्ट करते हुए आपको घुमा कर देखना है। जब दोस्तों इसका जो शाफ्ट होता है वह अच्छे से फ्री घूमने न लगे तब तक आप इसका जो नट है उसे टाइट न करें। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो रॉड है वह अच्छे से घुमाने पर फ्री घूम रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो नट बोल्ट है उसे अच्छे से टाइट कर देंगे। दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब कभी भी आप अपने मोटर का रिपेयर करें तो आप इसे सही तरीके से लगाएं ताकि आपको लगाने के बाद जाम प्रॉब्लम का सामना करना न पड़े। तो दोस्तों ये था चौथा कारण। अब हम आपको मोटर जाम होने के पांचवा कारण बताने वाले हैं। तो दोस्तों मोटर जाम होने के पांचवा कारण है इसका वाशर। जी हाँ दोस्तों, जब दोस्तों ये पंखा चलता रहता है कई घंटों तक, कई दिनों तक, तो कभी कभी इसके अंदर जो वाशर होता है दोस्तों वह घिस जाता है या कट जाता है, जिस कारण से दोस्तों इसका जो शाफ्ट होता है, जो रॉड होता है, वह ऊपर नीचे होने लग जाता है। और कभी कभी यह इससे जो रोटर होता है वह स्टेटर के साथ चिपक जाता है, जिस प्रकार से जाम होने लग जाता है। तो इसके अलावा दोस्तों जब हम इसे रिपेयर करने के लिए खोलते हैं तो इसका जो वाशर होता है दोस्तों हम उसे बाहर निकाल देते हैं, मगर हमें लगाते समय ध्यान नहीं रहता है कि नीचे कितना वाशर लगा हुआ था और ऊपर कितना वाशर लगा हुआ था। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि जब कभी हम इसे रिपेयर के लिए खोलें तो इसका वाशर है उसे सही तरीके से लगाएँ। और दोस्तों इसका जो रॉड होता है वह 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक ही इस तरह से ऊपर नीचे हो,
इससे ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो। अगर दोस्तों इससे ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, इसमें वाशर कम हो जाता है, तो ज़्यादा आपका जो पंखे होता है वह ऑन करते ही ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसा होता रहता है, तो आपको समझ लेना है। अगर ज़्यादा मात्रा में ऐसे इस प्रकार से ऊपर नीचे हो तो आपको वाशर लगाने का ज़रूरत होगा। अगर दोस्तों आप इस कंडीशन में नहीं वाशर लगाते हैं तो ऑन करने के बाद इसका जो रोटर होता है वह स्टेटर के साथ चिपकने का चांस होता है, जिससे कि जाम होने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों हमारे पास दूसरा इसका जो रोटर है उसमें वाशर, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाशर लगा हुआ रहता है इस प्रकार से। तो आपको ध्यान रखना है कि लगाते समय आपको इसका जो रॉड है उसे ऊपर नीचे करके देख लेना है कि इसका जो ऊपर नीचे हो रहा है वह 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक ही हो, उससे ज़्यादा ना हो ना ही कम ना हो। तो दोस्तों आप इसका जो वाशर है उसे सही मात्रा में लगाकर इसका जो जाम प्रॉब्लम है उसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप कूलर मोटर के बारे में और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।